मेरे दिल में था और अभी भी है कि लद्दाख में भी हमें वो यात्रा चलानी चाहिए। शायद छोटा सा पहला कदम लिया, पैदल नहीं गए मगर मोटर। और लद्दाख के कोने कोने में मैं गया, लोगों से बात की, गरीब लोगों से, माताओं बहनों से, युवाओं से, और जो आपके दिल में है उसको समझने की कोशिश की। दूसरे नेता हैं वो अपनी मन की बात करते हैं। मैंने सोचा मैं आपकी मन की बात सुनूं। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो गांधी जी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, वो लद्दाख के खून में और डीएनए में है। और मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, आपको ये मत समझिए कि ये मैं आपको भाषण में बात बोल रहा हूं। मोटरसाइकिल में मैंने पूरे लद्दाख का चक्कर काटा है और रास्ते में देश भर से हमारे लोग लेबर का काम करते हैं, बिहार से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, अलग अलग स्टेट से यहां लोग सड़क बनाने लेबर का काम करते हैं। और मैंने जानबूझ के इनसे सवाल पूछा, मैंने इनसे पूछा, देखिए आप यहां सर्दी में काम कर रहे हो, यूपी से आए हो, बिहार से आए हो, वहां पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती, यहां पे -10-20 हो जाता है, आपको लद्दाख के लोग कैसे लगते हैं? क्या आपको लगता है कि यहां आप अकेले काम कर रहे हो या लद्दाख के लोग आपकी मदद करते हैं, आपको प्यार दिखाते हैं? मैंने उनसे पूछा और एक से नहीं, अनेक लेबरर्स से मैंने पूछा और सारे के सारे लेबरर्स ने मुझे बताया कि हम अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर हैं, हमारा परिवार यूपी में है, बिहार में है, मगर लद्दाख में हमें ऐसा लगता है कि हमारा दूसरा घर है। यहां पे जो भी कठिनाई होती है, पत्थर गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, सर्दी होती है, भूख लग जाती है, लद्दाख के लोग हमारी मदद करते हैं और जब भी हम उनके पास मदद के लिए जाते हैं वो एकदम हमारी मदद करते हैं। तो ये आपके डीएनए में है, आप एक साथ इज्जत के साथ बिना नफरत के रहते हो। और जो कांग्रेस पार्टी विचारधारा है वो आपके दिल के अंदर है। तो इस दौरे में आपने मुझे क्या बताया? सबसे पहले आपने बोला कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो आपकी राजनीतिक आवाज होनी चाहिए, जो आपके लोकल गवर्नमेंट्स के लीडर होने चाहिए, वो आवाज आपकी दबाई जा रही है। आप जरूर यूनियन टेरिटरी बने मगर आपके जो हक हैं, आपके जो अधिकार हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हैं। ये आपने पहली बात बोली। दूसरी बात आपने बोली
कि जो रोजगार के वायदे आपसे किए गए थे वो वायदे झूठे थे, और लद्दाख के कोने कोने में अगर किसी भी युवा से बात की जाए वो आपको कहेगा कि लद्दाख बेरोजगारी का एपिसेंटर है। तीसरी बात आपने बोली कि जो सेलफोन की कवरेज होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए वो नहीं है। यहां शायद आपने लोकल एयरपोर्ट की भी बात की कि यहां पे आपका एयरपोर्ट है मगर हवाई जहाज नहीं आता है, तो मैंने आपकी बात सुनने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है और आपकी जो स्ट्रगल है, चाहे वो आपकी जमीन का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो आपका जो कल्चर है, आपकी जो भाषाएं हैं उसकी रक्षा करने की बात हो, हम आपके साथ एक साथ खड़े हैं। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पेंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है, और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का एक इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। यहां पे सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। 21वीं सदी में सोलर एनर्जी की बात की जाती है और लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएगी। मामला जमीन का है और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं, अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां लगाना चाहते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते हैं। हम ये कभी होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो ले की एपेक्स बॉडी है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है और इनकी जो डिमांड्स है उनका हमने पूरा समर्थन किया है। आपका जो रोल रहा है, खासतौर से कारगिल का रोल रहा है, उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। जब भी हिंदुस्तान को आपकी जरूरत पड़ी है, जब भी बॉर्डर पे युद्ध हुआ है, तो कारगिल के लोग एक आवाज के साथ हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। यह आपकी हिस्ट्री है, यह आपने एक बार नहीं अनेक बार देश को दिखाया है, तो मैं इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस देश में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं लोग। हमारे लिए
सब लोग एक हैं और इस देश में सब लोगों को इज्जत से मोहब्बत से रहना चाहिए।